पूज्य स्वामी जी एवं आदरणीय साध्वी भगवती जी के चरणों में मेरा प्रणाम और सभी गणमान्य गंगा मैया के विचारकों को मेरा अभिनंदन। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि जो हम काम कर रहे हैं इस वक्त राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्था मिलकर, तो जैसा कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इतने बड़े बड़े विचारकों के शब्द सुनकर, परंतु एक बात जरूर है कि गंगा के अनेकों पहलुओं के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, चाहे वो उसका गौरवमय इतिहास हो, चाहे वो धार्मिक पहलू हो, चाहे वो सांस्कृतिक या कोई और, चाहे वो जीवन दायिनी माँ के रूप में हो, परंतु एक जो पहलू है जो कि गंगा में रहने वाले जलचर हैं और या जो उसमें रहने वाले पेड़ पौधे हैं, जीने वाले, उनका जो एस्पेक्ट है उसके बारे में विचार थोड़ा कम ही हुआ है। और इसी ये हमारी जो अभी वर्तमान सरकार है और जो ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, इनका ये दूरदर्शिता और इनका एक विजन था कि इन्होंने ये रियलाइज करा कि गंगा की स्वच्छता और निर्मलता का कारक भी और सूचक भी उसकी बायोडायवर्सिटी है। और इसी को मानते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उन्होंने भारतीय वन्य जीव संस्था को अपने साथ जोड़ा इस कार्य के लिए कि हम गंगा की बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की योजना बनाएं, परंतु उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को सम्मिलित किया जाए। तो प्रथम बार गंगा को गौमुख से गंगा सागर तक बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजी की दृष्टि से अगर सर्वे करा गया तो वो हमने 2017 से शुरू करा इसी परियोजना के अंतर्गत, और आज तक हम 6 ऐसे सर्वे कर चुके हैं, क्योंकि गंगा की अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पे बहुत काम हुए थे। किसी ने किसी स्ट्रेच पे करा था, किसी स्पीशीज पे करा था, परंतु गंगा गंगा गौमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा को एक दृष्टि से देखना और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, ये कार्य इसी परियोजना के तहत हुआ। और बड़ी सुखद एक जो तो फाइंडिंग मिली वो ये मिली कि ये बोला जाता है कि गंगा प्रदूषित हो चुकी है और अब जीवन उसमें नहीं पनप सकता, परंतु इस धारणा को पूरी तरह से निगेट करा हमारी साइंटिफिक फाइंडिंग्स ने, जब हमने ये पाया कि मोर देन 50% ऑफ द गंगा रिवर इज कंटेन्स बायोडायवर्सिटी विच इज नॉट ओनली फाउंड देयर बट जो वहां पर प्रजनन भी कर रही है, ब्रीड भी कर रही है। तो ये एक किसी भी इकोसिस्टम के इंटैक्ट रहने का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, बहुत बड़ा सूचक है कि हमारी माँ गंगा अभी भी इतने प्रदूषण के बावजूद भी इस लायक है कि वो अपने अंदर के जीवों को जीवन दे रही है और आगे प्रजनन करने का मौका दे रही है। उसके अलावा हम लोगों ने इको टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज करी कि जो छोटे छोटे जीवों में प्रदूषण आ रहा है गंगा से, वो ऊपर के जीवों तक कैसे पहुंचेगा। जेनेटिक स्टडीज करी और इस तरह की रिपोर्ट्स समय समय पे भारत सरकार को पहुंचते गए। एक बहुत बड़ा दायित्व जो ये था कि जो अभी प्रोफेसर त्रिपाठी ने भी बोला कि लोगों के अंदर जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है या आम जनता है, उनके अंदर इस क्षेत्र में जो नॉलेज और कैपेसिटी बिल्डिंग का दायित्व था वो भी हमको दिया गया। तो गंगा के क्षेत्र में, गंगा के 5 राज्यों में अनेकों यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ग्रुप्स और जो अन्य स्टेक होल्डर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो वेटनेरियंस हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ये एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर एजेंसीज हो, उनके साथ मिलके हमने बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करे। और मुझे गर्व होता है कि कम से कम 50,000 लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हम पिछले 3 साल में कर पाए। इसके अलावा एक चुनौती ये भी थी कि गंगा में जो बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, अगर वो किसी तरह संकटग्रस्त होती है तो क्या करा जाना चाहिए। तो उसके लिए गंगा के किनारे हमने जगह जगह पर रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को स्ट्रेंथन करा और जहां पर नहीं थे वहां पर बनाया। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में अभी हमारे ऐसे रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहां पर की ट्रेंड लोग हैं और वहां के आसपास के लोगों को भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह ट्रेन करा गया है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे गंगा प्रहरी मिलके जो इरावडी डॉल्फिन है, जो समुद्री डॉल्फिन है, उसको उन लोगों ने बचाकर समुद्र में वापस पहुंचाया। तो ये उनकी ट्रेनिंग का ही नतीजा था कि वो बिना किसी विलंब के इस तरह की संकटग्रस्त प्रजाति को जीवित वापस उसके वास्तव में छोड़ पाए। और जो एक सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती थी कि गंगा के तट पर रहने वाला वो प्रथम व्यक्ति
जो वहां के गांव का वासी है उसको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। हमारे पूज्य स्वामी जी, हमारे आदरणीय एचआरडी मिनिस्टर और साध्वी, आदरणीय साध्वी जी ने भी ये बात बोली कि संवेदनशीलता, संस्कार, ग्राउंडेड होना और इम्पैथी होना बहुत जरूरी है। तो गंगा के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनसे ज्यादा ये गुण कहीं और नहीं थे, लेकिन उनको चैनलाइज करना बहुत ही आवश्यक था और एक चुनौती भी था। तो हम लोगों को लगा कि लोगों को हम नौकरी दे सकते हैं, लोगों को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होंगी। तो इसके लिए हमने क्या करा कि कुछ ऐसे लोग हमें मिले जो कि गांव के लोग थे, गंगा जी के लिए कुछ करना चाहते थे, उनके अंदर उत्साह था, लेकिन ना तो उनके पास संसाधन थे ना वो जानते थे कि वो इस कार्य को कैसे करें। तो सर्वप्रथम हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मंच दिया और उनको गंगा प्रहरी, नदियों के रक्षक का एक टाइटल दिया। और उसके बाद मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि परमार्थ निकेतन आश्रम की पावन भूमि से ही और आदरणीय स्वामी जी के ही शुभ कमलों द्वारा ही हमारा प्रथम राष्ट्र स्तरीय गंगा प्रहरी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां पे पांचों राज्यों के 250 गंगा प्रहरी, जो हमारा कोर ग्रुप था, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग हासिल करी और गंगा का उद्गम स्थल देवप्रयाग, जहाँ पे गंगा जो बनती है, वहां से गंगा को देखा, समझा और अपने अपने राज्यों में जाकर इस कार्य को एक गति दे दी। और यकीन मानिए, गंगा प्रहरियों को हमने कभी पैसा नहीं दिया। दे आर नॉट पेड फॉर बीइंग अ गंगा प्रहरी। बीइंग अ गंगा प्रहरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इट इज देयर लाइफ स्टाइल। ये उनकी जीवन शैली है, ये उनको बताया गया प्रथम दिन से। परंतु गंगा प्रहरी बनने के बाद उनकी क्षमता का विकास, उनका स्किल डेवलपमेंट, उनको विजिबिलिटी देना और प्लेटफॉर्म देना, ये हमारा कार्य था और हम इसमें सक्षम भी थे। तो उससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्वयं ही बढ़ती चली गई, क्योंकि किसी इंसान को डोल्स में देना, सब्सिडी देना, पैसा देना, वो तो उसको एक भिखारी ही बना सकता है, पर किसी इंसान को सक्षम बनाना, उसको एक प्लेटफॉर्म देना और उसको एक इज्जत देना, उसको प्रोत्साहन देना और मोटिवेशन देना, वो बनाता है गंगा प्रहरी। और वही हम आप सब लोगों के साथ मिलके, स्वामी जी, चाहे वो हमारे माननीय मंत्री जी हो, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, जिन्होंने कि हमारे गंगा प्रहरियों के साथ इंटरेक्शन करा, वो प्रोत्साहन, वो मोटिवेशन उनको मिला, उनको एक आवाज मिली। और सबसे बड़ी चीज जो उनको मिली, वो अपने सामाजिक दायरे में उनकी जो इज्जत बढ़ी, जो उनका उनको आदर मिला, तो एक सोशल लीडरशिप का डेवलपमेंट हो चुका है। और गंगा प्रहरी अपने अपने स्थानों पे जाकर गंगा के लिए क्लेनलीन, चाहे वो क्लेनलीनेस ड्राइव हो, चाहे वो प्लांटेशन ड्राइव हो, चाहे वो रैलीज हो, चाहे वो लोगों को बचाना हो, मैं अभी कोविड पर भी आती हूँ, और चाहे वो जो जल जीव है, जलीय जीव है, उनको बचाने का कार्य हो, आज वो एक सेल्फ मोबिलाइज्ड कम्युनिटी के रूप में कर रहे हैं। हम उनको कोई पैसा नहीं दे रहे, वो काम कर, जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूँ, हमारे गंगा प्रहरी फील्ड में अभी भी दिन रात कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज मैं नहीं जा सकती गंगा के किनारे, हमारे साइंटिस्ट लोग नहीं जा सकते, लेकिन वो लोग जो गंगा के किनारे रह रहे हैं, वो गंगा माँ की रक्षा कर रहे हैं, उसके अंदर रहने वाले जलचरों की रक्षा कर रहे हैं, और उसके आसपास रहने वाले जो कोविड से ग्रस्त लोग हैं या इस तरह के संकट से ग्रस्त जो जन समुदाय है, उसकी मदद कर रहे हैं अपने संसाधनों से। तो इससे एक क्या हुआ है कि उनको जो ट्रेनिंग मिली है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में मिली है, जिसमें कि उनकी लाइवलीहुड को भी जोड़ा गया। देखिए, जब तक एक जन साधारण के लाइवलीहुड को नहीं जोड़ा जाएगा, उसका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ग्रीन लाइवलीहुड, जो कि वो अपने ही स्थान पे, अभी हमारे पूज्य स्वामी जी ने बोला कि आउट माइग्रेशन ना हो, हम अपने गांव वापस पहुंच चुके हैं, वहीं पे कार्य करें, तो ये कार्य भी हो चुका है। जो बच्चे हैं उनको हमने बाल गंगा प्रहरी के रूप में, आज हमारे साथ कम से कम 75 स्कूल जुड़े हुए हैं, उसके अलावा प्रवासी गंगा प्रहरी 17 देशों से जुड़े हुए हैं और गंगा प्रहरी मेंटर्स भी जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहूंगी कि आज हमारे पास गंगा के किनारे 3,000 हाथ हैं, जो भारत सरकार की योजनाओं को और जितने भी प्रयास हैं उनको एक साकार रूप देने में हाथ बटा रहे हैं। और एक ये जन आंदोलन का आगाज हो चुका है और एक सोशल लीडरशिप का आगाज हो चुका है, जो कि मुझे लगता है कि 2-4 साल के बाद अगर हम और हमारी परियोजनाएं खत्म भी हो जाएंगी, ये सोशल लीडरशिप, ये जन आंदोलन हमारे कार्य को आगे ले जाएगा।